नमस्कार छात्रों, ईशा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि सीडी और जीएच क्रमशः एसीबी और ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है तो दर्शाइए कि इसमें तीन क्वेश्चन दिए हैं। तो क्या कहता है कि सी डी और जी एच ए सी बी और कोण ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। ये सी डी लाइन इस कोण की समद्विभाजक है, ए सी बी इसको दो हिस्सों में बांटती है, और जी एच लाइन कोण ई जी एफ इस कोण को दो हिस्सों में बांटती है। ये लाइन यानी कि इसको ऐसे समझो, ये कोण को ये लाइन दो हिस्सों में बांटती है और इस कोण को ये लाइन दो हिस्सों में बांटती है बराबर बराबर। मतलब इस तरफ का कोण इस तरफ के बराबर है और यहाँ ये कोण इस तरफ वाला इसके ये बराबर है, इस तरह से ये ठीक है। बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की बजाय ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। ए बी पर डी स्थित है और एफ ई पर एच स्थित है, और ए बी सी एफ ई जी के समरूप है। ये त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी के समरूप है, ये पूरा त्रिभुज, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा और ये पूरा यहाँ तक ये समरूप है पूरा। अब ये पहला पार्ट हमें सिद्ध करना है कि सी डी बटे जी एच सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, ए सी और बटे एफ जी। तो अगर ये सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। मतलब ए डी सी एफ एच जी के समरूप सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, ये ए कोण और ये एफ कोण ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ए बी सी पूरा ये त्रिभुज एफ ई जी के समरूप इसमें दिया है, ए बी सी एफ ई जी के समरूप है, इस कारण से ये कोण इसके बराबर है। और इसी प्रकार इसको भी देखो, एफ जी ई ये पूरा कोण इसके बराबर है क्योंकि त्रिभुज ये ए सी बी और एफ जी ई ये समरूप दिए हैं। तो फिर इसका मतलब ये इस पूरे का ये आधा है, तो इसका आधा कोण इसके भी आधे के बराबर होगा। तो ये कोण इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब दो कोण बराबर हो रहे हैं, तो फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और ये सवाल आपका लग जाएगा। तो दिया है में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, और तो दिया है आप बुक से लिख लें। सिद्ध करना में हमने लिख दिया है सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। अब इसकी हम उत्पत्ति सबसे पहले देखते हैं। पहले त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी ये लेंगे, ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी में ये और ये इतना पूरा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी के समरूप है दिया है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ये चीज क्वेश्चन में दिया है, में लिखा है। इस कारण से कोण ये ए और ये कोण इसके बराबर होगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण एफ, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में सारे संगत कोण बराबर होते हैं।
और कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा कोण एफ जी ई के, ये वाला ये पूरा बराबर होगा जी ई के। अब अगर ये पूरा कोण बराबर है तो फिर ये आधा कोण भी बराबर होगा। इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पे दोनों में हम दो का भाग कर दें, या कोण ए सी बी बटा दो बराबर कोण एफ जी ई बटा दो। अब देखो ए सी बी का आधा कितना होगा, ए सी डी, इतना हो जाएगा कोण ए सी डी बराबर एफ जी ई, एफ जी ई इसका आधा कितना हो जाएगा एफ जी एच, कोण एफ जी एच। अब देखो कोण ए कोण एफ के बराबर हो गया, कोण ए कोण एफ के बराबर हो गया, और कोण एफ जी एच ये वाला इस कोण के बराबर हो गया ए सी डी के। इसका मतलब इसके दो कोण इसके दो कोणों के बराबर हैं, तो फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। डबल ए समरूपता कसौटी के अनुसार अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच के। ब्रैकेट में लिख दें डबल ए या कोण कोण समरूपता कसौटी। अब देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो अगर समरूप त्रिभुज जो होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इस कारण से सी डी और जी एच में जो अनुपात है वही अनुपात ए सी और एफ जी में होगा, सी बटे एफ जी, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। तो यहाँ से ये प्रूव्ड हो चुका है। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट में डी सी बी डी सी बी एच जी ई के समरूप सिद्ध करना है, एच जी ई ये वाला त्रिभुज इसके समरूप सिद्ध करना है। तो फिर हम दिया हमें तो वही लिख देंगे जो उसमें लिखा था, और उपपत्ति में उपपत्ति इसकी हम देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी के समरूप है, ए बी सी एफ ई जी के समरूप है, तो फिर इसलिए ये चीज हमने कहाँ से लिखी है, हमें दिया है हमें लिखा पहले से, ठीक है। तो इस कारण से ये एंगल बी ये कोण ई बराबर होंगे, इसलिए कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है। और यहाँ भी वही ये पूरा सी वाला ए सी बी इसके बराबर होगा एफ जी ई के। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर कोण एफ जी ई, जी ई। अब इसमें दोनों तरफ दो का भाग कर दें, कोण ए सी बी बटा दो बराबर कोण एफ जी ई बटा दो। तो ये ए सी बी का अगर हम आधा कर दें तो ये हो जाएगा डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर इधर एफ जी ई का आधा कर दें तो ये हो जाएगा एच जी ई, एच जी ई। यहाँ चाहे तो लिख दें ब्रैकेट में कि सी डी भुजा सी डी कोण सी की अर्धक है, कोण सी की समद्विभाजक है।
और जी एच कोण जी की समद्विभाजक है। जी एच कोण जी की समद्विभाजक है। अब देखो कोण बी कोण ई के बराबर हो गया, ठीक है, और कोण डी सी बी, डी सी बी ये वाला कोण एच जी ई के बराबर हो गया, एच जी ई के इसके बराबर, तो इसके दो कोण से बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि डी सी बी एच जी ई के समरूप है। इसलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया है। थर्ड पार्ट में त्रिभुज डी सी ए को त्रिभुज एच जी एफ के समरूप सिद्ध करना है। तो ये थर्ड पार्ट जो है ये फर्स्ट पार्ट ही है, इसमें डी सी ए को एच जी एफ इसके समरूप सिद्ध करना है। तो इसको हम पहले से ही सिद्ध कर चुके हैं, बस जो वही स्टेप जो उसमें लिखे हैं वही इसमें भी लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ए सी डी को एफ जी एच के समरूप सिद्ध कर दिया था, और इसमें हमें डी सी ए को जी एच जी एफ, तो त्रिभुज वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। यहाँ पर हम थर्ड पार्ट में लिख देंगे इसके स्थान पर डी सी ए समरूप एच जी एफ, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।